एक ऐसा शब्द होता है जो किसी के गुस्से को पल भर में प्यार में बदल देता है, लेकिन अपनी गलती मानकर किसी के आगे झुकना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग अपनी गलती को आसानी से मान लेते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करते। लेकिन आज हम आपको उन राष्ट्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके साथ बहस करके आप कभी जीत नहीं सकते, वहीं आप अपने लिए किसी बड़ी परेशानी को न्योता देते हैं। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में। बात करते हैं पहली राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोग अपनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, साथ ही उन्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकते, लेकिन ये लोग हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहते हैं कि इनके आस पास क्या हो रहा है। वहीं अगर इन्हें जरा से भी कुछ गलत लगता है तो इनका रोद रूप बाहर आ जाता है और इनके रूप के उस बुरे पहलू को झेलना हर किसी के बस में नहीं होता। इनसे बहस में कोई भी आसानी से जीत नहीं सकता। वहीं बात करते हैं दूसरी राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोग खुद को कभी गलत नहीं मानते, वहीं अगर आप इन्हें अपनी गलती बताएंगे तो ये लोग अपने आप पर सही साबित करने के लिए बहस करने पर उतारू हो जाते हैं, साथ ही खुद पर उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं देते, अपनी गलती नहीं स्वीकारते। शायद यही कारण है कि इनसे किसी भी तरह की बहस में आप नहीं जीत सकते। वही बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, इन्हें बहस में कोई नहीं हरा सकता और ना ही इन्हें हारना पसंद होता है। जीतने के लिए हर संभव कोशिश भी करते हैं, साथ ही बहस के दौरान ये सामने वाले की खामियां बताने लगते हैं। इन लोगों से भूलकर भी बहस ना करें वरना आपका ही नुकसान हो सकता है। वही बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वाले लोग जीवन में संतुलन बनाकर चलना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन यदि इनसे कोई बहस करे तो आप शायद ही इनसे जीत पाए। वही अगर कोई इनसे बहस में जीत जाए तो ये लोग खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा आप असंतोष भी महसूस करते हैं। आप जितना भी कोशिश कर लें ये खुद को सही साबित करके ही दम लेते हैं। नेशनल स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।